आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जागो लाहौर और मैं हूं आपके साथ सिद्रा मुनीर। उम्मीद है जी आप होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। नाज़रीन आज हमारी इस हफ्ते की आखिरी मुलाकात है, कल आप 9:05 पर देखेंगे बेस्ट ऑफ जागो लाहौर। आज भी हम लाए हैं आपके लिए शहर भर से तमाम वो स्टोरीज जिन्हें आप जानना चाहते हैं। नाज़रीन जेरे जमीन पानी की सतह दिन ब दिन गिरती जा रही है और पानी के जखायर कम होते जा रहे हैं। इसी मसले को मद्देनजर रखते हुए लाहौर शहर में पहली बार वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मंसूबा लाया जा रहा है, जिस पर बहुत जल्द काम का आगाज भी हो जाएगा। पानी बचाने के हवाले से हम सब ने भी अपना किरदार निभाना है और अगर आपको जो है वो इस तरह का कोई भी मौका मिले तो आपको भी जरूर अवेल करना चाहिए। करना आपको ये है कि अपने घर के जो भी नल खराब है उन्हें आज ही मरम्मत करवा लें, क्योंकि खराब नल से पानी टपकता या बहता रहता है और हजारों लीटर पानी जाया हो जाता है, क्योंकि पानी कुदरत का अनमोल तोहफा है और अगर कुदरत ने इस नेमत से हमें खूब नवाजा है तो हमें भी इस नेमत की कदर करनी चाहिए। नाज़रीन दूसरी तरफ बात की जाए तो एशिया की सबसे बड़ी लाहौर बार के सालाना इंतखाबात का मेला आज सच चुका है और पोलिंग का अमल भी शुरू हो चुका है। 9,999 वोटर्स अपना हक के रायदही इस्तेमाल करते हुए अपना सुल्तान चुनेंगे। ऐवान अदल में तो इलेक्शन की खूब गहमा गहमी भी है और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से प्रोग्राम में हम मजीद डिस्कशन भी करेंगे नुमाइंदगान लाहौर न्यूज से और मुतलका अथॉरिटीज से भी बात करेंगे कि आज के इलेक्शन कितने अहम है आने वाले वक्त के लिए। अभी आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बहुत खास और बाहिम्मत इंसान से जिनकी उम्र 90 साल है, टांगों से महरूम है लेकिन स्काई डाइविंग का कामयाब मुजाहरा किया है और देखने वालों को हैरान कर दिया है। डिटेल्स में आपके साथ शेयर करती हूँ कि अमरीका में दोनों टांगों से महरूम 90 साल शख्स ने हवाई जहाज से छलांग लगाकर दुनिया को हैरत में डाल दिया है। अपनी उम्र के 90 साल पूरे होने पर उन्होंने 13,000 फिट की बुलंदी से कामयाबी से जमीन पर उतरे हैं। स्टेन रोड एक अरसा तक रियासी और तिब्बियात पढ़ाने के बाद अब रिटायर्ड जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी बेटी ने एक रोज उनसे कहा कि वो भी हिम्मत करे और उनके साथ हवाई जहाज से स्काई डाइविंग करे। इस सवाल पर गैर मुतवक्के तौर पर स्टेन ने फौरी हामी भर ली। उनकी बेटी ने कहा कि उन्होंने वालिद से मजाकन ऐसा कहा था लेकिन वो अपनी हिम्मत की वजह से इस खतरनाक काम पर आमादा हो गए। उनकी बेटी के मुताबिक अब भी वो टेनिस के बेहतरीन खिलाड़ी हैं और 80 की दहाई में एक पेचीदा बीमारी की वजह से वो अपनी दोनों टांगों से महरूम हो गए थे। इस साल से कबल वो मोटरसाइकिल के बेहतरीन ड्राइवर भी रह चुके हैं और अब व्हीलचेयर पर टेनिस खेलकर नौजवानों को भी शिकस्त दे चुके हैं। इसके अलावा स्टेन छोटी कश्ती के जरिए कश्ती रानी के भी माहिर हैं। ये कश्ती उनके लिए खसूसी तौर पर डिजाइन की गई है जिससे स्टेन बहुत महारत से चलाते हैं। उनकी बेटी ने मजीद कहा कि इस उम्र में उनके वालिद का हौसला बहुत बुलंद है और उनका अज़्म कई लोगों के लिए जज्बा उभारने की अहम वजह भी है। स्टेन ने हजारों फीट की बुलंदी पर जमीन पर उतरने के बाद इस तजुर्बे को बहुत खूबसूरत और नाकाबले फरामोश भी करार दिया है। हम आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे खाने पीने के हवाले से। कल से आगाज होने जा रहा है बारिशों के मौसम का और जब भी बारिश होती है तो फिर सूप, यखनी, कॉफी, इस तरह की मशरूबात, इस तरह के जो खाने हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। ठंडे मौसम में कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनसे आपने बचना है, कौन सी गजाएं खानी है, आज हमने बात करनी है यखनी के हवाले से। जवेरिया महमूद माहिर गजाइयात हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे हम जानेंगे कि यखनी पीना कितना अहम है और इसके साथ साथ कौन सी यखनी अच्छी है, फिश की, मटन की, बीफ की या फिर चिकन की। जी जवेरिया महमूद बताइए हम। जी बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का यखनी। यखनी जैसे कि सर्दियाँ मतलब चल रही हैं और यखनी जो है वो सूप्स की फॉर्म में, यखनी या उसके अलावा मटन, चिकन, देसी मुर्गी की इस्तेमाल की जाती है स्पेसिफिकली इतनी ठंड से बचने के लिए। तो जैसे कि आपने क्वेश्चन किया कि मटन की यखनी बेहतर या फिर देसी मुर्गी की, देखें हर किसी जो भी मीट कंटेंट है उसकी एक अपनी गजाई अहमियत है। डिपेंड करता है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं, आपकी कोई इवन टोटल नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स जो हैं जिनको टीके आर हुआ होता है, जो ऑपरेट हुआ होता है और कोई हड्डी या कोई लिगमेंट जुड़ने वाला होता है तो उनके लिए तो बहुत ही मुफीद होती है मटन बॉन ब्रोथ, यानी कि मटन की हड्डी की यखनी। सो मुझे लगता है कि जैसे जैसे इंसान बढ़ती उम्र के साथ साथ उसके पट्ठे और जोड़ और उसके अलावा डिफरेंट कैल्शियम या फिर मिनरल डेफिशिएंसी होना शुरू होती है तो बोन मिनरल डेंसिटी भी लो चली जाती है, जिसको ओवरकम करने के लिए यानी ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोमलेशिया जैसी बीमारियों से बचने के लिए
यखनी बेहद अहमियत की हामिल है। इसमें आप मटन बॉन ब्रोथ यानी हड्डी की यखनी भी लेते हैं और साथ ही साथ आप इसके अलावा जो देसी मुर्गी की है वो बहुत ही गजाइत में, आपको पता है कि जितनी वो चीज़ें जो कि ज़मीन से आती हैं, हर्बल होती हैं, देसी होती हैं, वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। और इंसान क्योंकि बहुत नेचुरल है, इंसान बहुत ही यू कैन से वेरी मतलब वी आर नेचुरल, और हमें हमेशा नेचुरल चीज़ें सूट करती हैं। जैसे ही हम आर्टिफिशियल चीज़ें या आर्टिफिशियल फूड या मीट गोश्त खाना शुरू करते हैं या आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड या कमर्शियली प्रिपेयर्ड फूड लेना शुरू करते हैं, वो चीज़ हमें नुकसान देती है। सेम टू सेम जैसे कि बाहर अक्सर औकात जो यखनियाँ अक्सर औकात मिल रही होती हैं क्यूब्स में, चीज़ों में, तो वो मेरे ख्याल से वो हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को पूरा नहीं कर पाती। सो बेहद ज़रूरी है कि चाहे बड़ा गोश्त हो, छोटा हो, या फिर उसके अलावा यू कैन से देसी मुर्गी की यखनी है, ये तमाम चीज़ें हमारी सेहत के लिए और स्पेशली सर्दियों में स्पेसिफिकली ठंड से, बहुत ठंड से बचने के लिए बहुत हद तक अहमियत की हामिल है। जी जवेरिया, अहमियत तो आपने बता दी है कि यखनी पीना बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी बताइए कि कभी कभी हम सुनते हैं कि अगर आपके जोड़ों में दर्द है, कोई आपको जोड़ों की या फिर हड्डियों की बीमारियां हैं, तो आप सूप पिए, यखनी पिए तो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। ये मिथ्स है या सच में इन बीमारियों में यखनी पीना अच्छा साबित हो सकता है? हड्डियों की बीमारी में भी यखनी बहुत हद तक फ़ायदेमंद होती है, बिल्कुल ऐसा ही है, पर ये देखना मुनासिब होता है और ये जानना बहुत ज़रूरी है वो लोग जो कि इस टाइम हमें देखे सुन रहे हैं कि जो ये बेसिकली जो मटन ब्रॉन बोथ है यानी जो कि मटन की गर्दन की जो हड्डी होती है उससे यखनी बनाई जाती है, आप उसको थोड़ा सा लहसुन अदरक में सौते करें और तकरीबन 2-3 आवर्स उसको पकाएं तकरीबन 3 लीटर पानी में, यहाँ तक कि वो तकरीबन 1 लीटर पानी रह जाए। उसके बाद उसको दिन में 3 से 4 बार तकरीबन 1 कप आप 250 ग्राम कंज्यूम कर सकते हैं ताकि इंस्टेंटली जो है आपकी रिकवरी हो सके। वो लोग जिनमें विटामिन 3 डेफिशिएंसी है, कैल्सीफिरॉल और कैल्सीडियाल यानी कैल्शियम डेफिशिएंट हैं या फिर विटामिन डी डेफिशिएंट हैं, उनको भी चाहिए कि अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें कहीं ना कहीं जो एनर्जेटिक फूड जिसमें यखनी आती है उसका इस्तेमाल बाकायदगी से करें ताकि ना सिर्फ जो सर्दी है, ठंड है, उससे बचा जा सके बल्कि हेल्दी तरीके से सर्वाइव भी किया जा सके। बहुत से लोग जिनको सांस के मसले होते हैं, निमोनिया हो जाता है सर्दियों में, और इसमें हमारे 60 और 70+ यानी 60-70 साल के लोग भी शामिल हैं, और उसके साथ साथ वो लोग जिनको सांस की बीमारियाँ होती हैं ठंड में, तो सूप तो ठीक है, इसको आप जब उसमें आप कॉर्नफ्लोर डिफरेंट चीज़ें ऐड करते हैं वो सूप बन जाता है, पर बेसिक चीज़ जो है वो यखनी होती है। और यखनी की कैलकुलेशन की अगर आपको बहुत ज़्यादा यखनी जो है वो आप डेली नहीं भी ले सकते तो आप उसको डिफरेंट ग्राम्स में लग कर लें, लाइक टू से दैट आप दिन में 2 दफ़ा 25 ग्राम के करीब यानी बिल्कुल यू कैन से जिसमें पेशावरी कहवा पिया जाता है या जिसमें बिल्कुल एक स्मॉल कप में चाय पी जाती है उतनी आप उसकी कंजप्शन ले सकते हैं ताकि आप इंटरनली वार्म यानी गर्माइश भी फील कर सकें और जिस्मानी हरारत को मेंटेन करने के साथ साथ अपना कैल्शियम विटामिन डी लेवल को भी टोटली जो है वो मेंटेन किया जा सके। जवेरिया, आपने सूप की बात की है कि हम जब भी यखनी बनाते हैं उसके बाद बहुत सारे लोग उसको सूप बना लेते हैं, ये बताइए कि सूप कौन सा अच्छा है, मीट सूप या फिर वेजिटेबल सूप? जी, सर्दियों में सूप्स डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया जाता है जिसमें एक तो वेजिटेबल सूप्स आ जाते हैं, फिर लेंटन सूप यानी दालों से जो बने हुए सूप होते हैं, बेस तो इसकी खैर यखनी ही है, चाहे वो आप मटन बॉन ब्रोथ यूज़ करें या फिर आप देसी मुर्गी की जो है यखनी यूज़ कर सकते हैं, यखनी बना सकते हैं। तो इसमें जो वेरिएशंस हैं ये बिल्कुल आप लेके आइए, लेंटन सूप हो जाता है, फिर वेजिटेबल सूप है, पर एक चीज़ जैसे आप लैक्टो वेजिटेरियन हैं यानी आप सिर्फ अपनी, लैक्टो वेजिटेरियन वो होते हैं जो सिर्फ अपनी डाइट में अंडे और सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, सो अगर आपकी कुछ ऐसी डाइट है और आप वेजीज पे रहना चाहते हैं तो दिस इज़ टू फाइन एंड वेल विद यू। पर अगर आप क्योंकि पाकिस्तानी कंट्रीज आर मीट लवर, हमें गोश्त बहुत पसंद है, और अगर किसी चीज़ में चाहे वो सूप हो, यखनी हो या कोई भी चीज़ हो, जब तक हम इसमें गोश्त की कोई आइटम नहीं नज़र आती तो वो हमें मेंटली तौर पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। इसी तरह सी फूड आ जाता है जिसमें प्रॉन सूप है, फिश सूप है, यू कैन गो थ्रू विद द टोमेटो बेस्ड सूप, टोमेटो क्रीम सूप,
तो जिस भी किस्म का आप सूप बना रहे हैं उसकी बेस यखनी ही है, और अगर यखनी जो है वो एक ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो बकरे की गर्दन का जो पोर्शन होता है अगर उसकी यखनी बनाई जाए तो भी ज़बरदस्त है, अगर उसकी जिसको लेग्स का पोर्शन बोलते हैं मिक भी बोलते हैं उसका बनाया जाए तो भी बहुत ज़बरदस्त है। इवन कि आप वो लोग जिनको पट्ठों जोड़ों की तकलीफ़ है और अगर वो बड़े या फिर छोटे पाए उसको दो दफ़ा उसको बॉयल करें, पानी उसका डिस्कार्ड कर दें, थर्ड टाइम जब आप उसको बॉयल करते हैं अच्छी तरह से उसको बॉयल करें, वो पानी कंज्यूम किया जाए, वो भी आपकी सेहत के लिए और आपके लिगमेंट्स के लिए, बोन जॉइंट्स के लिए, जो आपको दर्द है, जो आपको चलने में दिक्कत होती है उसके लिए बहुत हद तक फ़ायदेमंद है। और जहाँ तक बात की जाती है कि कितना इस्तेमाल करना चाहिए सर्दियों में डेली और सब, तो इंग्रेडिएंट्स पे डिपेंड करता है। एक तो आपने हाई सॉल्टेड नहीं इसको रखना, मीन टू से दैट आपने यूज़ करना है तो आपने पिंक सॉल्ट करना है, हिमालयन सॉल्ट करना है, वाइट सॉल्ट बिल्कुल यूज़ नहीं करना। सेकेंडली अरारोट का जैसे कमर्शियली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है या कॉर्नफ्लावर का, वो नहीं करना, इसको थोड़ा सा लाइट मॉडरेट रखें। कोशिश करें कि यखनी को इतना पकाया जाए कि उसकी थिकनेस मेंटेन रहे। सो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि हम अपनी डाइट में और स्पेसिफिकली जब यखनी का इस्तेमाल करते हैं छोटे बच्चों को ठीक करने के लिए या बहुत बड़ों को या अपनी सेहत को और जिस्मानी जो हरारत है मेन बरकरार रखने के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और जब भी उसमें कोई इन्ग्रीडियंट ऐड किया जाता है जैसे कि यू कैन से कैश्यू नट्स, पिस्टैचूज या कोई भी हैंडफुल ऑफ नट्स, तो वो हमेशा उसकी फोर्टिफिकेशन हो जाती है, उसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती है। सो इट्स वेरी गुड फॉर द हेल्थ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जवेरिया महमूद हमारे साथ मौजूद रही और हमें बता रही थी कि किस तरह से यखनी बनानी है और कितनी अहमियत है। लेकिन बड़ी अच्छी बात जो जवेरिया आपने की है वो ये भी है कि यखनी बनाने का जो तरीका है वो बहुत अहम है कि जब भी आप यखनी बनाते हैं उसके बाद उसका सूप बनाते हैं उसमें इतना ज़्यादा कॉर्नफ्लोर और आर्टिफिशियल चीज़ें ऐड कर देते हैं कि उसकी असल अफादियत कहीं खो जाती है। इसलिए आप यखनी को इतना पकाएं कि वो नेचुरली ठीक हो जाए, और अगर कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करना है तो फिर थोड़ी मेदार में करें। आगे बढ़ेंगे, आपको एक और दिलचस्प खबर की कहानी सुनाएंगे। और खबर हमारे पास ये आई है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में दिन ब दिन जिद्दत आती जा रही है। एक ऐसी जो है वो जादुई बोतल तैयार की गई है जिसमें गर्म मशरूबात को मिनटों में इंतहाई ठंडा किया जा सकता है। अमरीकी शहर लॉस वेगास में जारी जदीद तरीन मसनूआत की सालाना आलमी नुमाइश कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स शो में एक ऐसी बोतल पेश की गई है जो अपने अंदर रखे गए मशरूबात को सिर्फ चंद मिनटों में इतना ठंडा कर सकती है कि उसे पीते ही आपके दांत बचने लगेंगे। दरअसल ये बोतल नहीं बल्कि मशरूबात ठंडा करने वाला एक आला है। ये अपने डिज़ाइन में भी बहुत सादा है और इसमें सिर्फ दो बटन है, एक मुनासिब ठंडा करने के लिए और दूसरा बहुत ज़्यादा चिल ठंडा करने के लिए। एक तरफ पतली और लंबी LED पट्टी नस्प है जो अंदर रखे मशरूबात के गर्म होने पर सुर्ख हो जाती है, और जब वो मशरूब मतलूबा हद तक ठंडा हो जाता है तो LED की रोशनी नीली हो जाती है जिसकी वजह से आप आसानी जान सकते हैं कि मशरूब कितना ठंडा है। लेकिन इस बॉटल में जब भी आपने मशरूब रखना है तो डायरेक्ट नहीं उंडेलना बल्कि किसी भी केन में, किसी में बॉटल में रख कर उसके बाद इसमें आप रख सकते हैं। इसको एक छोटा सा फ्रिज भी कहा जा सकता है जिसे जो है वो आप कहीं भी ले जा सकते हैं, और बैटरीज की मदद से ये चलता है। ऐसे ममालिक जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है जैसा कि हम लोग हैं, हमारे जून जुलाई की गर्मी जो है वो जानलेवा गर्मी होती है, वहाँ पर ये छोटा जो फ्रिज हमने दिखाया है आपको, एक बॉटल दिखाई है जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को ठंडा रखती है, बहुत ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती है। हम आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि सुर ताल और लय से सजी शाम अलहमरा में शाम मौसीकी सजाई गई है। उस्ताद शफकत अली खान ने क्लासिकल गायकी में खूब रंग जमाया, तबले की ताल ने समा बांध दिया। सलमान तारिक की रिपोर्ट दी। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम अलहमरा हॉल में शाम 84 घराने के क्लासिकल गुलकारों के साथ एक शाम, मारूफ क्लासिकल गायक उस्ताद शफकत अली खान ने अपनी परफॉर्मेंस से शाम को चार चांद लगा दिए। मारूफ तबला नवाज उस्ताद शहबाज हुसैन ने तबले की ताल पर शानदार संगत निभाई।
گلوکار فیضان علی خان، نادر علی خان اور طبلہ نواز کاشف علی دانی نے بھی کلاسیکل موسیقی میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ شام موسیقی سے شہریوں کی کثیر تعداد محظوظ ہوئی۔ کیمرامین ساجد الیاس کے ساتھ سلمان طارق، لاہور نیوز۔ شام موسیقی کے رنگ آپ نے بھی دیکھے، یہاں وقت ہے ایک شارٹ بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، لاہور کی بات کی جائے تو آج الیکشن کا میلہ سج چکا ہے۔ ایشیا کی سب سے بڑی لاہور بار ایسوسی ایشن کے آج جو ہیں وہ الیکشنز ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے تمام وکلا خاصے پرجوش نظر آ رہے ہیں۔ الیکشن کیمپین بھی خوب کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ دو گروپس ہیں جن میں بتایا جا رہا ہے کہ کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے نمائندگان بھی، جن سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کا جو ہے وہ اس تمام معاملے پر کیا جو ہے وہ حالات ہیں اور کیا جو ہے وہ اس وقت الیکشن کی صورتحال ہے۔ لاہور بار الیکشن میں آسما جہانگیر گروپ جیت کے لیے پر امید ہے، جبکہ صدارتی امیدوار جی اے خان کہتے ہیں کہ جیت ہر صورت ہماری ہونے والی ہے۔ معروف قانوندان احسن بون بھی آسما جہانگیر گروپ کی کامیابی کے لیے دعاگو ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے ارشد علی سے۔ ارشد علی، بتائیے الیکشن کی کیسی گہما گہمی ہے؟ بالکل، لاہور بار ایسوسیشن کا سالانہ جو ہے وہ دنگل سج چکا ہے۔ تین صدارتی امیدواروں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہے۔ آسما جہانگیر گروپ سے جو ہے وہ جی اے خان طارق جو ہیں وہ بھی میدان میں ہیں، اور پورا سال انہوں نے کمپین کی، اور اس کے ساتھ ساتھ معروف قانونی ماہر جو ہیں وہ احسن بونڈ صاحب جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کی کمپین بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ احسن بونڈ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ امید ہے کہ ہمارے امیدوار جی اے خان طارق جو ہیں وہ جیتیں گے، باہر ان کے حق میں فیصلہ کریں گی۔ چونکہ ہی از اے تھارو پروفیشنل، اے سیلف میڈ کینڈیڈیٹ اور سیلف میڈ ایڈوکیٹ اینڈ ویری پرومزنگ ایڈوکیٹ، اور میں یہ باہر کا ایک روایتی الیکشن ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے یہ ہمیشہ ہر سال جو سیکنڈ ویک آف جنوری ہے اس میں ہوتا ہے، اور آج اسی حوالے سے آج صبح صبح ہم تمام لوگ یہاں موجود ہیں۔ انشاءاللہ جی اے خان طارق جیتے۔ جی بالکل، جو ہے ان کا کہنا ہے کہ جی اے خان طارق کی جیت ہوگی، اور جی اے خان طارق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا سر، آپ نے پورا سال کمپین کی، کیا کہیں گے، کیا منشور ہے، اور کس طرح سے لگتا ہے کہ آج کا جو سورج غروب ہوگا آپ کی کامیابی سے غروب ہوگا، یا کیا کہیں گے آپ؟ میں انڈیپینڈنٹ گروپ کی طرف سے نامزد صدارتی امیدوار ہوں، اور اللہ رب العزت کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ 9 جنوری کے میرے فنکشن میں بار نے یہ میسج دے دیا تھا کہ بار نے فیصلہ کر لیا ہے کہ لاہور بار اپنا نمائندہ اسے چنے گی جس کا تعلق وکالت سے ہوگا، جس کا ووٹ وکیل مانگیں گے، جو وکالت کے لیے کام کرے گا، جو اس ملک میں عدالتی نظام کو چلانے میں معاون کا کردار ادا کرے گا۔ جی، ان کا کہنا ہے کہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ وکلا آج میری سپورٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ آج میں ہی کامیاب ہوں گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ارشد علی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، ہمیں بتا رہے تھے کہ الیکشن کی گہما گہمی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خوب کیمپینز بھی کی جا رہی ہیں۔ وکلا موجود ہیں جو کہ اپنے اپنی پارٹی کو جتوانے کے لیے پر امید ہے۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جی فرحاد علی شاہ صاحب، ہیں ممبر پنجاب بار کونسل ایگزیکٹو کمیٹی، ہیں سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کتنا اہم ہے یہ الیکشن آج کا؟ بیسیکلی دیکھیں کہ لاہور کا الیکشن ہمیشہ سے اہم ہوتا ہے، کیونکہ ڈسٹرکٹ بار جو ہے یہ ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے، اور اس بار کے حوالے سے مختلف گروپس اور مختلف جو ان کے چاہنے والے ان گروپس کے ممبران ہیں وہ پورے ایک سال کے لیے اپنا صدر اور باقی کیبنٹ کو الیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو بڑی گہما گہمی دیکھی جاتی ہے۔ اور ہماری خوبصورتی اس الیکشن کی ہمیشہ یہ رہی کہ چاہے ہمارا کسی بھی گروپ سے تعلق ہو، ہم بڑے نعرے لگا کے الیکشن لڑتے ہیں، لیکن شام کو جس بھی گروپ کا صدر جیتتا ہے وہ پوری بار کا صدر ہوتا ہے، اور پھر یہ تفریق ختم ہو جاتی ہے کہ کون کس کے ساتھ تھا اور کون کس کے ساتھ نہیں تھا۔ پھر ہم سارا سال ان کو اپنے کیبنٹ، الیکٹڈ کیبنٹ کے مطابق چلتے ہیں، اور پوری بار جو ہے وہ پازیٹیو سیکوینس کے اندر اپنا کردار ادا۔ اچھی کہ فرحاد صاحب، 2019 کی بات کر لیتے ہیں کچھ، لاہور بار کاؤنسل الیکشن میں آسما جہانگیر گروپ جو ہے وہ منتخب ہوا تھا، ان کے نمائندگان منتخب ہوئے تھے، ان کی جو ہے وہ اس کہا جا سکتا ہے کہ حکومت چل رہی تھی۔ اس بار کون سا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے، اس ٹائم جو ہے وہ کون سا گروپ آپ اسٹرانگ دیکھ رہے ہیں؟ میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ 2019 میں ڈسٹرکٹ بار میں حامد خان گروپ جیتے تھے، ان کے آصم چیما صاحب پریزیڈنٹ ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر آسما جہانگیر نے ہائی کورٹ بار کا الیکشن جیتا، پھر سپریم کورٹ کا جیتا، پھر پاکستان بار کونسل کا جیتا، پھر پنجاب بار کا جیتا، مطلب باقی سارے الیکشن جو تھے وہ آسما جہانگیر گروپ کے کینڈیڈیٹ جو تھے وہ جیتے۔
اس بار ڈیفرنس یہ ہے کہ حامد خان گروپ جو جس کو ہم پروفیشنلز گروپ کہا جاتا ہے وہ بیسیکلی دو کمپوننٹس پہ بیس کرتا تھا. ایک حامد خان صاحب کا گروپ تھا, ان کے الائی جو تھے میاں اسرار صاحب تھے. اب اس دفعہ یہ ہوا کہ ان کے اندر ایک ڈویژن آ گئی. میاں اسرار گروپ سے میاں جہانگیر کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آئے اور حامد خان گروپ سے رانا انتظار آ گئے. پہلے تو ان کی آپس میں بہت کوشش کی گئی کہ یہ جو ہے اپنا ایک کینڈیڈیٹ آ جائے, لیکن وہ ان سے سیٹل نہ ہو سکا. تو اس کے بعد یہ دونوں گروپ جو ہیں یہ اپنے اپنے الائز کو لے کے اپنا اپنا کینڈیڈیٹ لے کے چل پڑے اور اب یہ دونوں جو ہیں یہ اپنے الیکشن اپنے کینڈیڈیٹ کے حوالے سے لڑ لیں. لیکن آسما جہانگیر گروپ کے ایک ہی کینڈیڈیٹ ہیں جیے خان طارق, اور وہ ان دونوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. مطلب یہ دونوں ایک دوسرے کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں اور جی اے کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں, لیکن جی اے خان طارق اپنے گروپ کے متفقہ امیدوار ہیں اور اسی لیے وہ بڑا پازیٹیولی ان کی جیت جو ہے وہ واضح نظر آ رہی ہے. ٹھیک سر, یہ بھی بتائیے ہمیں کہ جو الیکشن کہا جاتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ سیاست پہ بھی اثر پڑتا ہے, ہمارے پورے پاکستان کی جو عدالتیں ہیں ان پہ اثر پڑتا ہے, کس طرح سے اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ لائرز کمیونٹی معاشرے کا ایک بڑا پازیٹیو کردار ادا کرنے والی کمیونٹی ہے. جیسے آپ اگر ماضی کے دیکھیں, چاہے وہ آزاد عدلیہ کی تحریک تھی, ایل ایف او کی تحریک تھی, جب بھی ان کانسٹیٹیوشنل کام کیے گئے ہیں تو سب سے جیسے سول سوسائٹی اپنا پازیٹیو کردار ادا کرتی ہے, جیسے آپ کا میڈیا ایک پازیٹیو کردار ادا کرتا ہے, بالکل اسی طرح سے لائرز کمیونٹی جو ہے وہ بھی اگلی صفوں پہ آ کے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. کیونکہ ہم بحثیت قوم اپنا اپنا جب تک کردار ادا نہیں کرتے اس وقت تک ہم اپنی کنٹری اپنے قوم کے لیے بالکل جی ملک کا کبھی بھی اس وقت تک جو ہے وہ بھلا نہیں ہو سکتا جبکہ ہر انڈیویجول اپنا اپنا اپنے طور پر کردار نبھاتا رہے گا. مزید ڈسکشن بھی کریں گے. ابھی ایک بار پھر سے ہم جائیں گے عدالتوں میں جہاں پر نعمان نور چودھری ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, کیونکہ سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں, کچھ راستے بھی بند کیے گئے ہیں تاکہ الیکشن جو ہے وہ خیر و عافیت کے ساتھ اختتام پذیر ہو جائے. نعمان نور, سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ سیکورٹی کے کیسے انتظامات کیے گئے ہیں, کون کون سے راستے بند ہیں اور متبادل ویز کون سے بتائے گئے ہیں؟ جی بالکل سدرا منیر, آج ایشیا کی سب سے بڑی بار لاہور بار ایسوسیشن کے انتخابات کا دنگل سچ چکا ہے. تمام امیدوار اپنی اپنی جیت کے لیے پر امید ہیں اور تمام امیدوار اس وقت اپنے اپنے حامی وکلا کے ساتھ مختلف اپنے اپنے کیمپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, گروپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہاں پر وکلا کی جانب سے نعرے بازی جاری ہے اور ووٹنگ میں پولنگ کا عمل بھی جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے. اگر بات کی جائے اس میں رستوں کی تو کون کون سا رستہ بند ہے, تو یہ سیکٹریٹ چوک سے لوئر مال مرکزی شاہراہ جو ہے اس کو بند کیا گیا ہے, دوسری جانب یہ پی ایم جی چوک سے اس شاہراہ کو بند کیا گیا ہے, اور یہاں پر جو مرکزی شاہراہ ہے ان مرکزی شاہراہ کے دونوں طرف میں جو ہے مختلف کیمپس بنائے گئے ہیں جہاں پر وکلا اس وقت موجود ہیں اور اپنی کیمپین کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے پولیس اہلکاروں کی, کتنے پولیس اہلکار یہاں پر تعینات ہیں, کتنے پولیس افسران تعینات ہیں, تو اس میں تین جو ہے مختلف ایس پی تعینات ہیں, اس کے علاوہ پانچ جو ہے ڈی ایس پی تعینات ہیں, اور اس کے علاوہ 9 انسپیکٹر تعینات ہیں, اور 300 پولیس اہلکار یہاں پر تعینات کیے گئے ہیں جو کہ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اور یہاں پر جو رستے دونوں طرف بند کیے گئے ہیں سیکٹریٹ چوک میں جو ہے وہاں پر واک تھرو گیٹ لگائے گئے ہیں, بیریئرز لگائے گئے ہیں, وہاں سے لائنوں میں لگ کر جو ہے وکلا کو اندر آنا پڑ رہا ہے اور وہاں پر آ کر اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. دوسری جانب پی ایم جی چوک ہے, وہاں پر بھی بیریئرز اور کنٹینرز لگائے گئے ہیں, اور اس کے علاوہ وہاں پر واک تھرو گیٹ لگائے گئے ہیں, ان واک تھرو گیٹ کے اندر سے گزر کر جو ہے یہاں پر آنا ٹھیک ہے. نعمان نور, آپ ہمیں سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بتا رہے ہیں, ہمیں یہ بتائیے کہ کتنے لیئر سیکیورٹی آج فراہم کی جا رہی ہے, اور راستے بتا دیجئے کہ کون کون سے بند کیے گئے ہیں, اور ٹریفک وارڈنز کا تعینات ہے, کسی طرح کا کوئی ٹریفک جام تو نہیں دیکھا جا رہا؟ جی سدرا منیر, یہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات پولیس کی جانب سے مکمل کیے گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ رستے یہ لوئر مال رستہ جو ہے سیکٹریٹ چوک سے بند ہے, اس سے سیکٹریٹ چوک سے دوسری جانب جو ہے جین مندر چوک کی جانب ڈائیورشن دی گئی ہے, اور ادھر سے پی ایم جی چوک سے رستے کو بند کیا گیا, اور پی ایم جی چوک سے مال روڈ کی طرف جو ہے ڈائیورشن دی گئی ہے, اور وہاں پر ٹریفک وارڈن کی اضافی ٹریفک وارڈن جو ہے وہ تعینات کیے گئے ہیں تاکہ اس ٹریفک کو تمام تر نظام کو سنبھالا جا سکے, تاکہ جو دیگر شہری ہیں ان کو مشکلات کا سامنا نہ ہو. اور یہ آج کا جو الیکشن ہے لاہور بار ایسوسیشن کا الیکشن,
पुरमन तरीके से इसको। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमानु चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, इसके साथ साथ जो रास्ते बंद किए गए हैं उसके साथ ही मुतबादल रास्ते फराहम किए गए हैं ताकि शहरियों को परेशानी का सामना न रहे। फराज साहब, दोबारा से आपकी तरफ आऊंगी कि हमने देखा कि दिसंबर में वकला की जानिब से बहुत बड़ी गलती की गई, मैं तो ये कहूंगी कि अस्पताल में तोड़फोड़ की गई, जिसकी वजह से लाहौर बार का एक जो मयार था, एक जो साख थी, वो बहुत ज्यादा मजरूर हुई है। किस तरह से आने वाले जो नए उम्मीदवार हैं उसको दोबारा से स्टेबल कर पाएंगे, किस तरह से अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ा सकेंगे? देखें, लाहौर बार को 17-18 हज़ार लॉयर्स पर मुश्तमिल है, तो अगर 100 बच्चों से अगर कोई गलती हुई है तो आप पूरी कम्युनिटी को जो है वो उस पर स्टेक होल्डर्स को नहीं ला सकते। लेकिन आप देखें कि किस खूबसूरत अंदाज से हमारे जो बड़े थे उन्होंने अपना इंटरवेंशन किया, वो फूल लेके वहाँ पे गए, उन्होंने अपनी गलती को माना, और आज तक हमारा मुतालबा कभी भी ये नहीं है कि जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया उनको हमको प्रोटेक्ट करें। लॉयर्स जो उसमें इन्वॉल्व थे या जिन्हें गिरफ्तार किया गया उन्होंने प्रॉपर तरीके से कोर्स ऑफ लॉ के तहत उनकी बेल्स हुई हैं, कुछ लोगों की प्री रेस्ट बेल्स हुई हैं, आइडेंटिफिकेशन परेड्स करवाई गई, किसी किस्म का हिंड्रेंस लॉयर कम्युनिटी की तरफ से उन अदालतों में नहीं किया गया, ना उन अदालतों को प्रेशराइज किया गया। तो मैं समझता हूँ कि गलतियाँ, वी हैव टू लर्न नॉट टू रिपीट अवर मिस्टेक्स, हमें इस प्रिंसिपल के तहत चलना पड़ेगा। और जिए खान तारिक क्योंकि पहले सेक्रेटरी लाहौर बार भी रहे और एक जामे किस्म का प्रोफेशनल सियासतदान है, मैं समझता हूँ कि अगर आज वो जीतता है तो आप देखेंगे कि बड़ा पॉजिटिवली बार सबसे इस वक्त हमारा सबसे मेन इशू और हमारा अपनी डिग्निटी की वापसी और जो हमारा कम्युनिटी का एक इमेज है कि लॉयर्स बड़े पॉजिटिव किरदार के मालिक हुआ करते हैं, तो हम इंशाल्लाह ताला इस गलती का पूरे तरीके से खमियाजा भुगत चुके हैं। हाँ। और मजीद हम पॉजिटिव किरदार सर भुगत चुकने के अलावा भी माजी में बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, बेचारे जजेस भी वकला से, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि कभी कभी सेव नहीं रहते, वो कुछ लोगों की वजह से जब उनकी पुश्त पनाही होती है, फिर ये भी कहा जा रहा था कि इलेक्शन आने वाले हैं, शायद इस वजह से इस तरह का जो है वो प्रेशर डेवलप करने की कोशिश, यानी बड़े ज्यादा हमारी साख मजरूह हुई है वकला के हवाले। बेसिकली डॉक्टर्स की तरफ से कम्युनिटी को पेनलाइज किया गया, हमारा हमेशा उनसे आर्गुमेंट यही रहा कि देखें गुर्दा चोरी में भी डॉक्टर इन्वॉल्व हैं और मेडिसिन के हवाले से एक स्कैम्स में भी डॉक्टर इन्वॉल्व हैं, लेकिन उसमें हम तमाम डॉक्टर्स को नहीं ला सकते। इसी तरह येलो जर्नलिज्म भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन हम आपके पॉजिटिव सेंस में जो जर्नलिज्म में लोग इन्वॉल्व हैं उनको उनके साथ तो नहीं ला सकते। तो मैं कहता हूँ कि किसी इंडिविजुअल की गलती या जुर्म की वजह से पूरी कम्युनिटी को आप चार्ज नहीं कर सकते, तो ये बेसिक हमारा आज तक। अच्छा, बिल्कुल मैं आपकी बात के साथ मुत्तफिक हूँ कि जो लोग गलत करते हैं सजाएं उनको मिलनी चाहिए, पूरी कम्युनिटी पे बात नहीं आनी चाहिए, लेकिन कम्युनिटी पे तब बात आ जाती है जब उस गलत को गलत कहने की बजाय ठीक कहा जाए। देखिए, आपके सामने अभी मीडिया ने पूरे तरीके से, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस पर कवरेज की है, हमने कब उनको प्रोटेक्ट किया है? क्या उन लोगों को मास्क काले चढ़ा के अदालतों में नहीं पेश किया गया? क्या उनको रात की सर आपके बहुत सारे बड़े बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो दिगर वकला थे वो बड़ा उनको प्रोटेक्ट भी करते रहे, नहीं, कहा जाता रहा कि हम ये कर देंगे फलां कर देंगे। ये है कि आप, मैं गुजारिश ये करता हूँ कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ एक फिक्रा मैं आपके सामने रखता हूँ, रोको मत जाने दो, अब उसको आप कहें रोको मत जाने दो या रोको मत जाने दो, इंटरप्रिटेशन मजीद भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं जी, फ्रेंड्स ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मियां जहांगीर का कहना है कि वो मुंतखब होकर अपने मंशूर पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। लाहौर न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक उनके साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू कर रहे थे, मजीद उन्होंने क्या कहा है मोहम्मद इशफाक से जानेंगे। जी मोहम्मद इशफाक बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है और मजमू तौर पर सदारत के ओहदे के लिए 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जिनमें जियेहान तारिक, राणा इंतजार हुसैन और मियां जहांगीर। इस वक्त मियां इसरार उल हक ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मियां जहांगीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बेहतरीन देख रहा हूँ जी इलेक्शन, मेरा जो लास्ट फंक्शन हुआ है उसमें माशाल्लाह बहुत ज्यादा सीनियर, दूसरे सारे दोस्त जूनियर बहुत ज्यादा तादाद में हुआ है, तो वो मेरा ख्याल उसी ने फैसला कर दिया था, तो इंशाल्लाह अभी भी यहाँ पे सपोर्टर देखेंगे आपको मेरे ज्यादा नजर आएंगे यहाँ पे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें फतह देगा। मियां साहब, अगर आपको फतह मिलती है तो अपने मंशूर पर किस हद तक अमल करवाएंगे? मैं इंशाल्लाह, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, कामयाबी दी, तो मैं इंशाल्लाह मेरे जो मंशूर हैं वो 100% मैं कामयाब सारे काम करूंगा, क्योंकि मेरा टन्योर, मेरा माजी जो है वो एक हाईकोर्ट में नायब सदर रह चुका हूँ, वो सबके सामने है, मैं अपने लिए नहीं यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा, मैं अपनी बार के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो मैं इंशाल्लाह मैक्सिमम यहाँ पे काम करूंगा।
बिल्कुल जी, तीनों उम्मीदवार जो हैं वो पुरअज़म हैं। मियां जहांगीर साहब का ये कहना था कि वो अगर मुंतखब हुए तो 100% अपने मंशूर पर अमल करवाएंगे। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, आप हमारे साथ मौजूद रहे और हमें इलेक्शन की गहमा गहमी और इसके साथ साथ उम्मीदवारों की उम्मीदों के बारे में भी बता रहे थे। फराज साहब, आपकी तरफ आऊंगी कि जितने भी हमारे नौजवान बुखला है, एक बहुत बड़ी तादाद है खवातीन बुखला की, अब तो तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आज के इलेक्शन में उनका जो किरदार है वो कितना अहम है? देखें, बार जो है उसमें सीनियर लोग भी हैं, उसमें फीमेल भी हैं, उसमें यंग लोग भी हैं, तो बेसिकली उनका तमाम का वोट एक बराबर सीक्वेंस के अंदर, कि नौजवान का भी वोट उतनी वैल्यू रखता है और ओल्ड एज का और फीमेल का भी। लेकिन अब क्योंकि लॉ से रिलेटेड प्रोफेशन इतने ज़्यादा माशरे में पॉजिटिवली उनकी अट्रैक्शन हो गई कि सिविल जजेस की इंडक्शन है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की इंडक्शन है, इसी तरह डिफेंडर्स की इंडक्शन है, तो उस वजह से अब यंगस्टर जिस तरह पहले लोग डॉक्टर बनाते थे बेटे को, इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसी तरह वो लॉयर भी बनाना चाहते हैं या लॉ रिलेटेड डिपार्टमेंट्स में वो भेजना चाहते हैं। उस वजह से एक बहुत बड़ी तादाद, क्योंकि लाहौर 1.5 करोड़ की आबादी का शहर है, तो उस तनाजर में लाहौर में लॉ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के होने की वजह से तादाद बहुत, और बहुत सारे लोग जो हैं वो लाहौर आके यहाँ से जाना नहीं चाहते। वो आपने वो फिक्रा सुना ना, ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है, तो जो एक दफा यहाँ आ जाता है वो यहाँ से जाता नहीं है, तो इसलिए फिर वो रजिस्ट्रेशन उनकी ज्यादा लाहौर बार से ही होती है। मतलब लोग रहने वाले होते हैं लाहौर से बाहर के, लेकिन वो लॉ किया फिर प्रैक्टिस यहीं पर शुरू कर दी, यहीं पर रोल, इस वजह से लाहौर बार 17-18 हज़ार लॉयर्स पर जाके एनरोल हो चुकी है। हम पंजाब बार, हम सारे के सारे गवर्निंग बॉडी हैं पूरे पंजाब के, तो बार अब जैसे गुजरांवाला है वो 1600-1700 वोट, सरगोधा 1100-1200 वोट, तो लाहौर बार ही वाहिद बार है जो 17-18 हज़ार पे चली गई। तो इस वजह से, क्योंकि लाहौर शहर आपको पता है कि इसकी एक क्वालिटी है कि ये बाहर से आए हुए लोगों को पूरे तरीके से जगह देता है, अकोमोडेट करता है, तो इसी तरह लाहौर बार में। लेकिन जो इलेक्शन के हवाले से मैं अगर बताता चलूँ, तो इस दफ़ा जो देखने में आ रहा है, अभी आपको बताया, अभी कैंडिडेट एक बता रहे थे कि मेरा ताल्लुक फ्रेंड ग्रुप से है, तो ये एक ग्रुप के अंदर एक फ्रेंड ग्रुप हो गया, दूसरों को इन्होंने अनफ्रेंड कर दिया, तो उस वजह से यानी एक ग्रुप की जो है उसमें धड़बंदियां हो गई हैं, डिवीजन हो गई है। मतलब मैंने बताया उन्होंने कहा मैं फ्रेंड ग्रुप से हूं, दूसरे फिर अनफ्रेंड ग्रुप हो गए, लेकिन जिए खान तारिक जो है वो आसमा जाएंगे। ठीक है सर, इस पे हम मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी आफताब बाजवा साहब, हैं साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार हैं। आफताब साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, वक्त देने के लिए हमें। सर बताइएगा, एशिया का सबसे बड़ा आज इलेक्शन होने जा रहा है लाहौर बार का, कितना अहम है पूरी पाकिस्तान की अदलिया के लिए? देखिए, मेरा छोटा भाई बैठा है, उसने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, बड़ा अच्छा भाई है मेरा छोटा फराज साहब। जो बात है एशिया की सबसे बड़ी बात, मैं तो ये कहूंगा एशिया की नहीं, अब वर्ल्ड की बड़ी बात कह सकते हैं इसको, और मैं भी इसका फख्र महसूस करता हूं। जैसे इन्होंने कहा कि बाहर से लोग आए यहाँ पे, उन्होंने तालीम दी और फिर यहाँ पे वकालत शुरू की, मैं भी उनमें से ही एक हूँ, मैं भी लियाकतपुर डिस्ट्रिक्ट रेंजर का रहने वाला हूँ, मैं भी यहाँ आया, मैंने जब वकालत यहीं शुरू की तो फिर यहीं कहीं होके रह गया, क्योंकि अल्लाह ताला ने जहां रिस्क लिखा होता है बंदे का, बंदा वहीं सेटल होता है। इसमें कोई शक नहीं, देखिए कोई भी पाकिस्तान की तहरीक जो है वो लाहौर से शुरू होती है। इसी तरह रूल ऑफ लॉ की अगर बात करें, तो रूल ऑफ लॉ की बात के लिए भी जब भी पहले निकलता है तो वो लाहौर बार एसोसिएशन ही निकलती है। ये फखर है लाहौर बार एसोसिएशन को इस बात का, क्योंकि ये हर जाबर आमर सुल्तान के सामने डट जाने वाली एक बात है, इसके कोई मुफादात नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क और बार के वकला के लिए काम करते हैं, और इनका कोई सियासी एजेंडा नहीं होता, कोई सियासी इनका वो कहने के ख्यालात नहीं है। ठीक है, हमारे अंदर बहुत सारे ग्रुप हैं जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से अलग रखते हैं, लेकिन जब किसी वकील का मसला होता है तो हम एक होते हैं। तो इसलिए ये हमें फख्र है कि हम एक बहुत बड़ी एशिया की बार से हमारा तल्लक है और दुनिया की बड़ी बार से तल्लक है, और जिसकी वजह से आज अगर पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी है, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि 2007 की जो तहरीक थी उसके अंदर जिस तरह मीडिया ने हमारा साथ दिया और आइंदा भी अगर हमारा साथ देते रहे, अगर अभी माफी चाहूंगा एक छोटे से वाक्य थे, मीडिया हम पे बड़ा मुखालिफ हो गया था अस्पताल के मामले पे। सर मुखालिफ होने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन देखे हमने आपका भी मौकिफ चलाया और इसके साथ साथ जिसने डॉक्टर्स ने जिसने भी मौकिफ देना चाहा हमने भरपूर अंदाज में चलाया, लेकिन हमने देखा कि ना सिर्फ PIC वाकया बल्कि माजी में कई ऐसे वाकयात मिलते हैं जिनमें हमने वकला को मुलव्वस पाया और उसके बाद फिर प्रेशर डेवलप किए गए, किसी वकला को किसी वकील को जो है वो उसके किए की सजा नहीं मिली क्योंकि बाकी लोग जो है वो उसको प्रेशर में ले आते हैं। आने वाले वक्त में इन इलेक्शन से क्या मामला बेहतर होंगे, क्या वकला के रवैयों में तब्दीली आएगी?
देखिए बहन, आप मेरी बहन है, मेरा जितना प्रेस से तल्लुक है शायद मेरा वकला से उतना ना तल्लुक हो, लेकिन मैं एक आपको बात बता दूं, इस दफा मीडिया ने वन साइडेड सारी कहानी चलाई है। अगर ये पहली फिल्म वो चला देते जो अस्पताल के ऊपर से जो पत्थर आए थे वकला पे, तो कम अज कम ये फिल्म आज तक नहीं चली आपके यहाँ मीडिया पे, किसी मीडिया ने नहीं चलाई। तो जो अस्पताल के ऊपर से डॉक्टरों ने नर्सों ने और हम इस पे तो बहस, मेरा ख्याल है कुछ चार घंटे भी कर लें तो खत्म नहीं होगी, लेकिन मैं इलेक्शन के हवाले से बात कर रही हूँ कि चले इस वाक्य के अलावा भी बहुत सारे वाक्य हैं वकला के रवैयों में तब्दीली, उनमें थोड़ा सब्र बर्दाश्त का मादा पैदा करने में और आने वाले वक्त में बेहतर हालात पैदा करने में कितना अहम होगा आज का इलेक्शन। देखिए मैं भी एक सेक्रेटरी रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट बार, फराद भी एक मेंबर है, हमारा लीडर भी है। गुजारिश करूंगा अपने वकला भाइयों से, हमारा इलेक्शन बहुत अहम है। मैं अपने वकला भाइयों को एक बार जरूर कहूंगा, जो भी बॉडी इलेक्ट हो वो हड़ताल की कॉल ना दे। हड़ताल की कॉल देना ना सिर्फ वकला के अपने मफादात के खिलाफ है, ये हमारी अवाम के, हमारे लिटिगेंट के, हमारी अदालतों के खिलाफ है। हम जो प्रोटेक्टिंग लॉयर हैं, ये फराद साहब बैठा है मेरे साथ, मेरा बड़ा बिजी भाई है, पूछिए इसे, रात हम तैयारियां करते रहते हैं, सुबह जाते हैं जी हड़ताल, ये क्यों करते हैं हमारे लीडर? ये सो कॉल्ड कुछ लीडर हमारे अंदर दाखिल हो गए हैं जो हड़ताल दे के हमारी जान छुड़वा, अपनी जान छुड़वा लेते हैं, वकला को सड़कों पर भेज देते हैं। और भैया आपको किस लिए मुंतखब किया जाता है? वकला की मसाइल हल करने के लिए। मैं आपको मुहतरमा एक वाक्य सुना देता हूँ, फराद साहब इस बात का गवाह भी है। जब मैं सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बात था, मैंने पंजाब बार काउंसिल, तमाम बार काउंसिलों, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान बार काउंसिल को लेटर लिखे थे और कह दिया था कि हम आपकी हड़ताल में शामिल नहीं होंगे, हम नुमाइंदे हैं, हम वकला के मसाइल हल करेंगे। मेरी सुप्रीम कोर्ट का मसला था तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर गेट के ऊपर एक लाइन में सारे मिनिस्टर जब पनामा केस तक खड़े कर दिए थे, दूसरी लाइन में इमरान खान, शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी जैसे लोगों को खड़ा कर दिया था। मैंने कहा कोई बंदा अदालत के अंदर नहीं जा सकता, आपके वकला जा सकते हैं केस करने, लेकिन आप नहीं जाएंगे जब तक मेरा मसला नहीं आता, मेरे वकीलों की सोसाइटी का मसला हल नहीं होता। तो मैंने एक एहतजाज था वो रिकॉर्ड करवाया और उसको अप्रिशिएट किया गया। एक दिन मैंने मखदूम अली जो नवाज शरीफ के आर्गूमेंट कर रहे थे, मैंने उनको रोक लिया, मैंने कहा सर आपके पार्लियामेंट रूप में से जी। आप पे बहुत प्रेशर आया होगा सियासी पार्टीज की जानिब से भी, आपके जो बार के ऊपर के लोग होंगे वहां से भी, आपने तो प्रेशर बर्दाश्त कर लिया, एक बोल्ड स्टेप लिया, लेकिन मोस्टली ये रवैया नहीं देखने को मिलता। कोई दूसरे पाकिस्तान के कोने में कोई वाकया होता है उसकी कोई तहकीक नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, और आपने खुद बताया कि हड़तालें शुरू कर दी जाती हैं। देखिए बहन, हमारी कुछ सो कॉल्ड लीडरशिप आ रही है। मैं ये कहूंगा यही पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन, यही पाकिस्तान बार काउंसिल का डायरेक्ट जैसे पहले होते थे ऐसे होने चाहिए। पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन पूरे पंजाब से ये वोट हासिल करके आए, पाकिस्तान बार काउंसिल के लिए हमारे नुमाइंदे जो हैं ये पूरे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के वोट लेके इलेक्ट होके जैसे पहले तरीकाकार था। अब क्योंकि पैसे की रेल पेल है, बहुत सारे वाकया, फराद शाह इस बात का गवाह है, पिछले पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन में लोगों ने पैसे खर्च करके 12-12, 15-15 करोड़ खर्च करके पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर बने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब बाजवा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। फराद साहब, बहुत सारे इन्होंने जो है वो मुख्तलिफ चेहरे दिखाए, मुख्तलिफ जो है वो कहा जाता है ना कि तस्वीर के दूसरे रुख पे दिखाए, कि पैसे खर्च करके भी इस तरह के मामलात होते रहे और उसके बाद जो है वो ये जो बात कर रहे थे हड़तालों का सिलसिला, ये नहीं होना चाहिए किसी भी। एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ, देखिये बात यह है कि मेरे एक लॉयर के 5 भाइयों को पुलिस ने पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया। ठीक, मैं उसके खिलाफ एक FIR दर्ज की पुलिस ने, मैं उसकी बेल आर्गू करने के लिए गया, मैंने बेल आर्गू की, बाहर निकला, अगले दिन मुझे बाजवा साहब ने बताया तुम्हारे खिलाफ एक FIR दर्ज होगी कि तुमने एक इंस्पेक्टर पे तशद्दुद किया। मैंने कहा मैंने पाकिस्तान बार काउंसिल को फोन किया, हड़ताल मेरे लिए नहीं करनी, मेरे पे FIR हुई है, मैं लीगल चलूंगा। हाँ। पंजाब बार काउंसिल में खुद बैठा था, मैंने कहा हड़ताल नहीं करनी, हमने हड़ताल नहीं की, मैंने पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में फॉर द क्वेश्चनमेंट ऑफ FIR और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, मैं मिस्टर जस्टिस मदार अली नकवी साहब ने नोटिस किया, उन्होंने कहा अदालतों में कैमरे लगे हुए, कैमरों की बुनियाद पर इन्वेस्टिगेशन हुई और पता लगा कोई इंस्पेक्टर झूठा था, FIR हाई कोर्ट ने क्वैश की, हमने एक एग्जाम्पल रखी कि हम हड़ताल नहीं करेंगे जब हमारे पास लीगल रेमेडी है। अब प्रॉब्लम देखें कहां स्टार्ट करती है, लॉयर्स को मारा गया, FIR दर्ज हुई, डॉक्टर्स को अरेस्ट नहीं किया गया, पीसफुल प्रोटेस्ट लॉयर्स कर रहे थे। देखें इदारे जब तक हुकूमत अपना किरदार अदा नहीं करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है पीसफुल प्रोटेस्ट का, बिल्कुल प्रोटेस्ट का आपको मिलता है। इलेक्शन की जानिब हम दोबारा आते हैं, बायोमेट्रिक निजाम के तहत इलेक्शन हो रहे हैं, कितना मुनफरिद है, कितना डिफरेंट है गुज़िश्ता साल से? पिछले कई साल से मैनुअल इलेक्शन था, बहुत टाइम लग जाता था, लेबोरियस जॉब है, 10,000 वोट गिनना। अब ये बायोमेट्रिक सिस्टम क्योंकि एडवांस
टेक्निक्स आ गई हैं। हाई कोर्ट बार में पिछले 7 साल 6 साल से यही सिस्टम चल रहा है। अब लाहौर बार में पिछले साल कुछ बायोमेट्रिक था, कुछ मैनुअल था, लेकिन इस दफा ये हुआ कि टोटल 9,999 मैं अभी देख रहा था आपका फिगर, मैंने कहा एक और रजिस्टर्ड कराते 10,000 तो पूरा हो जाता। तो ये सारा का सारा बायोमेट्रिकली हो रहा है कि आप सारा वोट जैसे जैसे पढ़ रहा है, सिर्फ आपने शाम को एक की दबानी है तो आपके सारा के सारा रिजल्ट सामने आ जाएगा। मतलब वो जो घंटों की जॉब थी, पूरी पूरी रात गिनती हो रही है, लॉयर्स बाहर बैठे हैं, इतने वोट ऊपर चले गए, इतने वोट नीचे, लेकिन उसने हमारा जो एक इलेक्शन की पोस्ट इलेक्शन एक्टिविटी जो है उसको खत्म कर दिया। यानी वो जो दिल ऊपर नीचे होता रहता है वो मामला अब नहीं होगा कि कौन जीता कौन हारा, इतने वोट उसको मिले इतने वोट उसको मिले। खैर बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, आप हमारे साथ मौजूद रहे। लेकिन आज का इलेक्शन ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान की सियासत के लिए अहम है बल्कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी वकला भाई हैं उनके लिए भी बहुत अहम है। अल्लाह करे जो भी नए नुमाइंदगान मुंतखब हों वो रवैयों में भी तब्दीली लाएं, और ये जो हड़तालों का सिलसिला है ये आने वाले वक्त में हम बिल्कुल ना देखें। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन। आने वाले मौसम में स्प्रिंग का होगा जिसमें क्या ट्रेंड्स होंगे, ड्रेसेस के कैजुअल ड्रेसिंग कैसी करनी है, इसी पे बात कर रहे हैं। एमन चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। एमन ये बताइए कि हमने लास्ट ईयर बल्कि पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि एनिमल हो गए, बर्ड्स हो गए, शर्ट्स पे बहुत नजर आ रहे हैं, इस साल भी कोई ऐसा ट्रेंड होगा? नहीं, एनिमल्स और ये जो बर्ड्स की आप बात करिए, हर डिजाइनर की एक अपना है, कुछ यूज करते हैं, मोस्टली फॉलो कर रहे थे क्योंकि ये ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ट्रेंड चल रहा था तब उस टाइम पे। लेकिन कुछ को फिर बाद में हमारी एजेंसी पब्लिक थी, उनको इश्यूज आ रहे थे कि नमाज में हम ये वेयर नहीं कर सकते ये प्रिंट्स को, जो उनसे मोस्टली हमारा ब्रांड आई भी तो ये मोस्टली इनको हम लोग कम प्रेफर कर रहे हैं 2020 में। तो आई थिंक सो कि ये हम लोग मोस्ट नहीं यूज करेंगे ये कोई भी टाइगर और ज्योमेट्रिकल डिजाइंस। ज्योमेट्रिकल डिजाइंस इजी हैं, उनको हम हैंडल भी बहुत इजी तरह कर लेते हैं और वो ओवरऑल ही चलते हैं, होल ईयर ही उसको आप वेयर कर सकते हैं। ठीक है, पूरा साल उसको और ट्रेंड रहेगा 2020 में मोस्टली तो जो ट्रेंड रहना है वो है लाइंस। इसमें कलर्स, बेस कलर्स के साथ ही बेस कलर की एम्ब्रॉयडरी इन होगी और मोस्टली ब्राइट कलर्स को हम लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ब्लॉक प्रिंट्स को कर रहे हैं, तिल्ले को कर रहे हैं कि उनसे थोड़ा सा टच भी आपको लगे, ईद वगैरह पे आप लोग वेयर कर सकते हैं इजीली। अच्छा हमें ये भी बता दीजिए एमन के कपड़ों की हम बात करें, फ्लोरल प्रिंट्स हमेशा से खवातीन के मन पसंद जी। फ्लोरल ऐसे है कि जो ये कभी भी एक तो कोई इसे बोर नहीं होता और इसमें हम कुछ ना कुछ इजी तरीके से इसको हैंडल कर लेते हैं और इससे ये कहते हैं पब्लिक भी हमारी हैप्पी रहती है। हैप्पी रहती जी। ठीक, इसका मतलब हम ट्रेंड्स देखेंगे 2020 में, फूल शूल होंगे खूब कपड़ों जी इंशाल्लाह। अच्छा लोगों के डिमांड्स का कैसे पता चलता है, कोई सर्वेस होते हैं क्या ट्रेंड्स लोग? ये जब हम लोग कलेक्शन बना रहे होते हैं, इस समय कभी एक अपनी स्प्रिंग कलेक्शन को बना रही हूँ तो ये इस टाइम पे मुझे बस लोगों को हम ये माइंड में ले रहे हैं कि ब्राइट कलर्स बहुत पसंद करते हैं मोस्टली जो पाकिस्तान की हमारी पब्लिक है, ये पेस्टल को कम प्रेफर करती हैं एज कम्पेयर टू ब्राइटनेस को। तो हम मोस्टली मैं ब्राइट कलर्स को यूज़ कर रही हूँ, एथनिक प्रिंट्स को, एथनिक एम्ब्रॉयडरीज को जो कि ओवरऑल हमारी इन रहती है। अगर मैं थोड़ा इसमें एग्जैजरेट करूँगी थोड़ा तो मैं थोड़ी सी चेंजिंग करूंगी, वो मुझे भी नहीं पता होगा कि मार्केट में एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ठीक, वो है। मेरे डिजाइन मार्केट में लॉन्च होने के बाद हमें भी डिजाइनर को पता लग रहा होता है, करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है डिजाइनर्स के लिए कि लोग क्या चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी डिमांड्स को फुलफिल करेंगे फिर ही तो ब्रांड्स चलेंगे, फिर ही तो आपकी प्रोडक्ट बिकेगी। आगे बढ़ते हैं, आपको पिक्चर ऑफ द डे दिखाते हैं और साथ में ये भी बताएंगे कि आज की पिक्चर हमारे लिए क्या पैगाम लाई है। पिक्चर में आप जी 2 लाखर गधों को देख रहे हैं जिन पर जरूरत से ज्यादा सामान घास फूस लादा गया है, जिसकी वजह से साफ नजर आ रहा है कि इन जानवरों से वजन बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, लेकिन उनके मालिकान की जानिब से उनको मारा पीटा जाता है जिसकी वजह से बेचारे मजबूर हैं ये अपनी सख्त से ज्यादा वजन खींचने पर भी। अगरचे जानवर अपने जज्बात बता नहीं सकते लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम इंसान उनका गलत फायदा उठाएं। दूसरी जानिब हमारे दीन में भी जानवरों के साथ इस तरह का सलूक रवा रखने से मना किया गया है, हमें चाहिए कि इन बेजबान जानवरों के साथ अच्छा सलूक रखें क्योंकि अगर हम किसी भी जानदार पर जुल्म करेंगे तो कयामत के दिन हमें उसका हिसाब भी देना होगा।
नाज़रीन पिक्चर ऑफ द डे आपने देखी है और मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि देखें यही जानवर हैं जो आपकी रोजी रोटी का जरिया है, तो इनका जरूर ख्याल रखिए। हमारे यहाँ तो ये भी ट्रेंड है कि जब जानवर बेचारा कभी बीमार हो जाता है और उसका दिल नहीं होता काम करने का, लेकिन मालिक की तरफ से फिर भी उसको मारा जाता है और काम कराया जाता है, इसलिए प्लीज वो भी लिविंग है, जानदार हैं, वो भी सांस लेते हैं, वो भी बीमार हो जाते हैं, उनका जरूर ख्याल रखें और जितना बोझ वो बर्दाश्त कर सकते हैं उन पर उतना ही बोझ ला दें ताकि वो ज्यादा देर तक आपका साथ दे सके और आपकी मौशी स्टेबिलिटी में हेल्पफुल साबित हो सके। एमन, दोबारा मैं आपकी तरफ आऊंगी कि हम प्रिंस के हवाले से बात कर रहे थे, जो लड़कियां हैं कॉलेज गोइंग है यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए शॉर्ट कुर्ताज, फ्यूजन टॉप्स, छोटी जो है वो पेपलम्स बहुत फैशन में रहे इस साल भी देखेंगे हम। पेपलम तो आउट ऑफ फैशन हो गया है, लेकिन मोस्टली अगर आप देखें तो कुछ हैं जो अभी ब्राइडल्स वगैरह में लग्जरी प्रेट में थोड़ा यूज हो रहा है, लेकिन प्रेट को हम बिल्कुल पेपलम में प्रेफर नहीं करते। लेकिन लॉन के हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से फ्यूजन टॉप्स और इस तरह की बहुत टॉप्स वगैरह तो ओवरऑल इन रहते हैं, मतलब टीनएजर्स गर्ल्स के लिए, लेकिन मेंस के जो पेपलम टाइप है इसको मैं हम लोग प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक हो गया, तो हर डिजाइनर की अपनी सेंस होती है। क्या खास बात होगी इनमें, लड़कियों के जो कुर्ताज आप दे रही हैं उनमें क्या खास बात? उनमें खास बात एक ये होती है, एक तो उनमें थोड़ी हम एम्ब्रॉयडरी को लाइट कर देते हैं और इनकी लेंथ वगैरह को शॉर्ट कर देते हैं, जो स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं वो ज्यादा शॉर्ट को ही प्रेफर करती हैं। एज अगर आप देखें हाउसवाइफ है वो लॉन्ग को थोड़ा करती है और वो थोड़ी इनकी बॉडी भी हेल्थी होती है तो उनके मुताबिक हमें वो डिजाइन करने पड़ते हैं। ठीक है, और शॉर्ट शर्ट्स के साथ हमारे पास क्या होगा? प्लाजोस होंगे, शरारा होगा, गरारे भी हमने देखा कि बड़े पहने जा रहे थे लास्ट विंटर में 2019 में काफी गरारास वगैरह इन थे, लेकिन हम तो इस 2020 में शलवार को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अच्छा, शलवार पहनेंगे? जी, शलवार पहनेंगे। ठीक हो गया, यानी वो शरारे, गरारे, प्लाजोस ये तो साथ साथ रूटीन में चलता रहेगा, लेकिन जो उससे ज्यादा है आप देखेंगी अब वो इंशाल्लाह क्या कहते हैं शलवार वगैरह ज्यादा होंगी, इन्हीं में एग्जैजरेट होगी, मोस्टली डिजाइन डिफरेंट आएंगे इनमें, ट्यूलिप शलवार आ जाएगी, फेयर वाली शलवार आ जाएगी, प्लेन शलवार आ जाएगी, इनमें काफी डिजाइन आएंगे। ठीक हो गया, शलवारों के मुख्तलिफ डिजाइन आ जाएंगे लेकिन ट्रेंड में शलवारें ही रहने वाली हैं। ठीक है, जीन्स के भी बहुत ज्यादा हमने देखा कि डिफरेंट अंदाज में उसे डिजाइनर्स की जानिब से पेश किया जा रहा है। जीन्स को जिन सा है मोस्टली वो हम देखते हैं उसी गर्ल्स हैं वो टॉप वगैरह को इजीली उसके साथ वेयर कर लेते हैं, मोस्टली मैं भी उसमें कंफर्टेबल होती हूँ। एक दो जीन्स हो तो पूरा सीजन आपका निकल जाता है, कुर्ता चेंज करते रहें और साथ साथ चलता है। ये तो अब हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसमें कितना यूज करता है, कितना यूज करना चाह रहा है, लेकिन वो है वो इसलिए भी हम लोग प्रेफर करते हैं कि उसमें ना हम लोग कंफर्टेबल होते हैं इजीली, वो के मतलब कैजुअली कहीं भी आप मतलब जस्ट टॉप को चेंज करें, जीन्स ज्यादा नीचे पहनी हुई हो तो उससे इतना कोई इश्यू नहीं होता कि आयरन के लिए भी लोग कम उसको यूज करते हैं। अच्छा, जीन्स पे हमने देखा कि उस पर भी बड़े खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट्स या फिर ज्योमेट्रिकल डिजाइन उसके पैंचों पे थोड़ा थोड़ा 2020 में ऐसा देखेंगे कुछ। आई थिंक 2020 में आप लोग ज्यादा बेस कलर्स को देखेंगे, कंट्रास्ट को कम देखेंगे और जीन्स के ऊपर जीन्स के ही शेड्स का डेनिम के जो इफेक्ट्स होंगे उनको ज्यादा देखेंगे एज कम्पेयर टू एम्ब्रॉयडरी। अच्छा, इस साल इसका मतलब है कि हमारी जो जीन्स है उस पर एम्ब्रॉयडरी खत्म हो जाएगी मोस्टली, क्या कहते हैं अब कम ही देखेंगे इस दफा इंशाल्लाह। ठीक है, कम देखेंगे। बहुत शुक्रिया एमन चौधरी, डिजाइनर हमारे साथ मौजूद रही। और आने वाला जो मौसम है मौसम बहार, उसमें क्या ट्रेंड्स होंगे, क्या फैशन होगा, उसके हवाले से आपकी बहुत सारी मुश्किलात दूर हो गई होंगी, डिजाइनर की सोच हमने आप तक पहुंचा दी है। मुझे आप इजाजत देंगे इंशाल्लाह, कल हमारी मुलाकात नहीं होगी, बेस्ट ऑफ जागो लाहौर आप देखेंगे, परसों पीर की सुबह 9:05 पर हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में नेक हवालों में जरूर याद रखिएगा। जाते जाते आप सुनेंगे ओल्डी गोल्डी ट्रैक, अल्लाह निगेबान।